अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हम्द। हम्द के शायर का नाम है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली। आज हम इनके हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये 1837 में पैदा हुए और 1914 में वफात पा गए थे। शम्स उल्मा ख़ताब अल्ताफ़ हुसैन नाम और हाली तखल्लुस था। अभी गमसिन ही थे कि इनके वालिद ख्वाजा अज़ीज़ बख्श ने इस दुनिया से इस कूच कर गए। उन्होंने पहले कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, फिर अपने तौर पर सदर जाफ़र अली और मौलवी इब्राहिम से फ़ारसी, अरबी और में इस्तेदाद हासिल की। अभी तलीम से फारिग ना हुए थे कि 17 वर्ष की उम्र में इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर दी गई। इल्म की प्यास बुझाने के लिए चुपके से दिल्ली चले आए। तकरीबन 1.5 वर्ष तक वहीं रहे और किताबें पढ़ते रहे। 1855 में अपने अज़ा के इसरार पर फिर पानीपत वापस आ गए। यहाँ अपने तौर पर कुतुब बीनी का मशगला जारी रहा। हसार फैक्ट्री में मुलाजमत की, मगर 1857 के हंगामे के बावजूद से की वजह से फिर अपने वतन वापस आ गए और वापस आ गए और फलसफे के साथ हदीस व तफसीर का मुताला भी किया। 1863 में रईस जहांगीर आबाद नवाब मुस्तफ़ा हकाम से तारुफ उनके बच्चों का मुकर्रर थे और तकरीबन 8 साल तक वहाँ क़याम रहा। ठीक है, शफीका की वफ़ात पर लाहौर आकर पंजाब बुक डिपो की मुलाजमत इख्तियार की। यहाँ इन्हें अंग्रेज़ी कुतुब के उर्दू तर्जुम की दुरुस्तगी का काम सौंपा गया। इस तरह मगरबी ज़ुबान और जदीद अदब के नज़रियात से इनको मुनासबत पैदा हो गई। क्याम लाहौर के दौरान इन्होंने आज़ाद के साथ मिलकर जदीद मुशायरों की तरह डाली, जिसमें शायर पहले ही दिए गए मौजूआत पर नज़में लिख डालते थे। इन्हीं मुशायरे में मौलाना हाली ने बरकात, उम्मीद, रहम इंसाफ, हिबुल वतनी के अनवार पर किताबें लिखी। इनकी तहरीरें सादगी, सलासत, बेसाख्तगी, इस्तदाल और धीमेपन का मरका थी। वो उर्दू लिखते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान के अल्फाज का बेदरीक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तो था इनका मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का। आज हम इनकी वो पढ़ेंगे नज़म। तो पहला शेर, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या इससे सवा तेरा, एक बंदा नाफरमान है हमदो सरा तेरा। इसमें कब्ज़े का मतलब है तसलसल काबू में करना, सिवा अलावा अलग, नाफरमान, हुक्म ना मानना, मारने वाला इंसान, हमदे सरा अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने वाला। इस शेर में शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली बयान करना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, अल्लाह ताला की हुक्मरानी हर एक शह पर है। शायर अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहता है कि अल्लाह, मेरे दिल पर तेरी ही हुक्मरानी है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि तेरा हुक्म ना मानने के बावजूद तेरी ही तारीफ़ करता हूँ। अल्लाह ताला ने इंसानों पर बेशुमार एहसानात किए हैं। वो खालिक है, वो मालिक है, वो राजिक भी है। अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अपनी बेशुमार नेमतों के जवाब में अल्लाह ताला सिर्फ ये चाहते हैं कि हम सच्चे दिल से इसकी इबादत करें, लेकिन ना समझ इंसान अल्लाह ताला के बहुत से अहकाम की तामील नहीं करता। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने अपनी अनायात और अक्राम भी में भी कमी नहीं करता। अल्लाह ताला की ये खूबी इंसान को अल्लाह ताला से करीब करती है। वो अल्लाह ताला के अहकाम ना मानने के बावजूद भी अपनी किसी मुश्किल में अल्लाह ताला को ही पुकारता है और अल्लाह ताला भी इसकी दुआ को सुनता है। इस लिहाज से इंसान को एहसास है कि इसके दिल के हर गोशे में अल्लाह ताला की मोहब्बत छुपी हुई है। इस बात का सबूत यह है कि इंसान अल्लाह ताला के अहकाम को पसे पुश डालने के बावजूद अल्लाह ताला ही की तारीफ में लगा रहता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट शेर नंबर 2 पे। गो सबसे मुकद्दम है हक अदा करना, हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा कहाँ, क्यों कर अदा कैसे अदा तेरा। मुकद्दम का मतलब है पहला, गो अगरचे, क्यों कर कैसे। तो इस शेर में शायर कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। कुरान मजीद की एक पूरी सूरत ही अल्लाह ताला ने नेमतों के मुतल्लिक किया, जैसे कि सूरत रहमान में इरशाद है, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो अगर हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार करने बैठना तो शुमार नहीं कर सकेंगे। रोज़े अजल से दस्तूर है कि इंसान अपने साथ नेकी करने वाले से जवाब में नेकी और भलाई ही की जाती है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं। इनके अलावा जवाब में इंसानों का फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला की नेमतों का बदला दे। अल्लाह ताला की नेमतों का बदला अदा करने का सबसे आसान तरीका
ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाएगा, मगर हम अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करने के बावजूद नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की नेमतें इतनी ज़्यादा हैं कि हम उनका शुक्र अदा ही कर ही नहीं सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट शेर, शेर नंबर 3 पे। महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कुछ ना कह ना सका जिस पर या बेद बेद खुला तेरा। महरम मतलब आशना, जानने वाला, ना महरम ना वाकिफ ना आशना, बेद मतलब रास। इस शेर में शायर कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि ये कायनात तुम्हारे लिए है, तुम इसके मस्कर हो। सूरज के निकलने और रात के वापस आपस में आने, अदल बदल में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं, मतलब समझदारों के लिए अल्लाह ताला ने निशानियाँ रखी हैं दिन और रात के आने में। अल्लाह ताला के सब ऐसे मज़ाहिर ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला की ज़ात तो बरकात का पता चलता है। जो लोग अल्लाह ताला की जस्तुओं में अपने आप को फना कर देते हैं, इन पर अल्लाह ताला की ज़ात के राज खुल जाते हैं, लेकिन इसके बाद इन्हें दुनिया की किसी चीज़ की रब्बत नहीं रहती। जो हक को पा लेते हैं, दुनिया उनकी नज़रों में बेवक़त हो जाती है, और फिर वो दुनिया के काम काज को छोड़ कर फना फी अल्लाह हो जाते हैं, मतलब अल्लाह से लो लगा लेते हैं, जैसे हम उसका हक पा लेते हैं। बाद में लोगों को पता चलता है कि मंसूर ठीक कहता है कि वो लोग जो अपने आप में मगन रहते हैं, अल्लाह ताला की तकलीकात को देखते हुए भी अल्लाह ताला को खोज नहीं करते, वो दुनिया से होकर भी दुनिया में ही रहते। जानने वाला और न जानने वाला इसलिए बराबर है क्योंकि ये अल्लाह ताला की ज़ात में खो जाता है और हर चीज़ से बेगाना हो जाता है। जो अल्लाह ताला को जानने की कोशिश नहीं करता, वो हर चीज़ से बेगाना हो जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात ही ऐसी है जो ज़ात है ही ऐसी जो समझ में आ जाती है, आसानी से समझ में नहीं आती, लेकिन इसको अगर समझने बैठे तो ऐसी समझ आती है कि बस इसके अलावा फिर हमें कुछ और दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब नेक्स्ट शेर है, जश्ता नहीं नज़रों में या हलकते सुल्तानी, कमली में अपनी मगन रहता है गदा तेरा। जश्ता मतलब अच्छा लगना, मुनासिब होना, हलकते सुल्तानी बादशाह की तरफ से इनाम में अता किया हुआ लिबास, ठीक है। कमली कहते हैं चादर को, मगन मसरूफ़ गदा फ़कीर। इस शेर में शायर बयान करना चाह रहे हैं कि आम कायदा है कि जब कोई बादशाह अपने गुलाम से खुश होता है तो उसे लिबास में लिबास देता है, उसे यानी कि खुश होकर उसे लिबास देता है। वो गुलाम अपने हम चिश्तियों में फिरता उड़ता फिरता है और अपने लिबास की तारीफ में ज़मीनों आसमान के तारीफ़ों के फूल बांधता फिरता है, लेकिन इसकी ये खुशी चंद रोज़ की होती है। इसके बरक जो शख्स अल्लाह ताला से लो लगा लेता है, उसकी नज़रों में दुनियावी शान शौकत की कोई अहमियत नहीं होती, वो बस अपने आप में ही मगन रहता है। इसके लिए इसका बटा हुआ लिबास भी बादशाह की तरफ से अता किया हो, चाहे वो बादशाह की तरफ से अता किया हो, लिबास से बेहतर होता है, क्योंकि वो किसी का एहसान मंद नहीं होता। अल्लाह का खास बंदा ज़ाहरी नमूद व नुमाइश की परवाह नहीं करता, बल्कि इसका दिल खुशी से लबरेज होता है और वो अल्लाह के गुलाम होने पर फख्र महसूस करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शेर है, तू ही नज़र आता है हर शय पे मोईद उनको, जो रंजो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। मोईद कहते हैं घेरा करने वाले को, शय चीज़, रंज कहते हैं दुख, गिला कहते हैं शिकायत को। इस शेर में शायर बयान करना चाह रहे हैं कि कायनात का सारा निज़ाम अल्लाह ताला की ही गामज़न मिन्नत है, मतलब अल्लाह ताला की ही बादशाह आता है हर चीज़ पर। हर तरफ अल्लाह ताला की कुदरत के आसार नज़र आते हैं, बिला शुबा अल्लाह ताला की हर चीज़ जो अल्लाह ताला की तारीफ बयान करती है। जो लोग किसी मुसीबत, परेशानी या दुख में मुबला होते हैं, वो अपनी मुसीबत में छुटकारा पाने के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ ही रजू करते हैं, क्योंकि उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि अल्लाह ताला ही की ज़ात वो वाहिद ज़ात है जो उनका दुख में इनका पूरा साथ दे सकती है, मतलब इनको इस दुख से निकाल सकती है। हमें एहसास है कि हम पर आने वाली हर परेशानी अल्लाह ताला की तरफ से ही आजमाइश होती है, और मुसीबत की इस घड़ी में अल्लाह ताला ही हमारा हामी और मददगार है, वही इसको परेशानी से दूर करने वाला है। नेक्स्ट शेर पे आते हैं, आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। आफाक कहते हैं उफक की जमा, मतलब आसमान को। महक कहते हैं खुशबू को, सबा कहते हैं सुबह की हवा को। इस शेर में शायर बयान करना चाह रहे हैं कि
अल्लाह ताला की ज़ात अज़ल से अबद तक रहेगी और हमेशा रहेगी। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात की पहचान के लिए ये सारी दुनिया बनाई है। ये इंसान पर मुकद्दर है कि वो इसके पैगाम को कब तक अपने दिल में जगह देता है। हर चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात के होने का इकरार करती है। हर चीज़ से अल्लाह ताला का जलवा ज़ाहिर होता है। ऐसा एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात से हर कोई कोशनासाई हासिल होगी। सुबह सुबह ठंडी हवा अल्लाह ताला की हमद सना के गीत गाती हुई हर जगह पहुंचती है। एक दिन पूरी कायनात पूरी दुनिया इस्लाम के रोशनी से मुनव्वर हो जाएगी। हर शख्स अल्लाह ताला की वादानियत पर यकीन ले आएगा। इसका आखिरी शेर है, हर बोल तेरा दिल से टकरा कर गुजरता है, कुछ रंगे बयां हाली है सबसे जुदा तेरा। बोल मतलब कही हुई बात, मतलब वो मुराद शेर है। रंगे बयां बात करने का अंदाज, जुदा मतलब अलग। इसी में शायर बयान करना चाह रहे हैं कि अल्फाज अपने अंदाज में बहुत असर रखते हैं। बात करने का अंदाज किसी किसी को नसीब होता है। कुछ लोग बेहतरीन बातों को भी अच्छे अंदाज से पेश करने के फन से आगाह नहीं होते, और कुछ लोग बात कह के भी इसके कदर को ख़त्म कर देते हैं कि मामूली से मामूली बात भी बड़े असर अफरीन लहजे में कह देते हैं। इनकी मामूली बात भी दिल पर घर कर लेती है। ऐसे लोग बात करने का ढंग जानते हैं। हाली अपने कलाम की तारीफ करते हुए कहता है कि ऐ हाली, तेरा बात करने का अंदाज़ बड़ा दिलकश है, खूबसूरत है। तुम्हारी कही हुई एक एक बात सुनने वाले के दिल में उतर जाती है। लोग ऐसे इससे बहुत असर लेते हैं। तो ये था आज तक कि हमारी नज़म की तशरीह। बाकी एक्सरसाइज बाद में करेंगे, ठीक है।